नमस्कार, आप देख रहे हैं lallantop.com। लल्लनटॉप चुनाव यात्रा की टीम हीरा के निखिल और तरुण फिलहाल अहमदाबाद में है। फिलहाल हम जिस जगह पे हैं वो अहमदाबाद वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, और उस वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जहाँ पे हैं वहाँ हमें मिल गए जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश के बारे में कई लोग पहले से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिग्नेश का वो परिचय नहीं मालूम है जो ऊना के पहले था। तो जिग्नेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैं बात की शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि मैं इरिटेट हो गया हूँ इस बात का जवाब देते देते, लेकिन इन शॉर्ट प्री ऊना जो आपकी स्टोरी रही है वो हम जानना चाहते हैं। प्री ऊना ऐसी कोई स्टोरी एज सच नहीं रही है, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास के फैमिली में पैदा हुआ, पला बड़ा, और जैसा कि मैं एक से ज़्यादा मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मैंने ये बात साझा की है कि ऐसी जगहों पर मैं पला बड़ा हूँ, उन स्कूल्स में पला हूँ, पढ़ा हूँ, जहाँ पर न स्पोर्ट्स के मैदान थे, न लाइब्रेरीज थी, न थिएटर सिनेमा को कोई कल्चरल एक्सपोजर नहीं। तो बहुत ही एक ऑर्डिनरी किस्म की मेरी स्कूलिंग रही, बहुत पेटी किस्म की स्कूलिंग रही, क्योंकि इस बात का बहुत ईर्ष्या होता है जब कुछ स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पर पढ़े होते हैं, उनको वेरियस चीज़ों का एक्सपोजर मिला होता रहता है। तो वो सब एक ऑर्डिनरी किस्म की स्कूलों में पला बढ़ा, और थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक था। एक बात दिमाग में घुस गई थी कि जो भी टिपिकल है दुनिया में वो नहीं करेंगे, जैसे कि सरकारी नौकरी करना, तो भाई वो नहीं करेंगे। क्या पढ़ना पसंद था आपको? साइंस की किताबें, लिटरेचर, पोएट्री, गज़ल वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था। फिर मैं कॉलेज में आया, कॉलेज के वो जो फॉर्मेटिंग ईयर्स थे मेरे, उसमें मुझे पैरेलल सिनेमा, थिएटर, स्ट्रीट प्लेज, गालिब, फैज़, वैन गोग, ये सारे लोग मेरे जीवन में आए। फिर हमारे कुछ प्रोफेसर्स थे जिन्होंने हमारे सामने जिन लोगों को ग्लैमराइज किया, वो थे एक्टिविस्ट लोग, जो ग्राउंड जीरो पे, ग्रास रूट पे काम करते थे, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसान के लिए। सब अपना करियर वरियर छोड़ के कोई दूर दराज के गांव में जाकर बैठा है धुनी रमाकर, और करियर बना नहीं रहा है, पैसे नहीं कमा रहा है, करियर वरियर था वो भी छोड़ दिया है, लेकिन ट्राइबल्स के बीच में लगा है, किसानों के बीच में लगा है। तो ऐसा कुछ बनना, वो जीवन की सार्थकता होगी, होनी चाहिए। उस प्रकार का एक हमारा ट्रेनिंग कॉलेज के दिनों में हुआ था, ऐसा बन नहीं पाए। लेकिन मुकुल सिन्हा आपको इन्हीं दिनों पे मिले थे? नहीं, मुझे उसके ऊपर आ रहा था। और फिर तो वो जो कॉलेज के दिनों में ऐसे लोगों को हमारे सामने ग्लैमराइज करके हमारे कुछ प्रोफेसर्स ने पेश किया कि इलाबेन है, यहाँ पे गिरीश पटेल थे, मुकुल सिन्हा थे, चुनी भाई वैद्य थे, ऐसा बनना चाहिए लाइफ में, और साथ साथ किताबें पढ़ो, बेहतर दुनिया का रास्ता बेहतर किताबों से होकर निकलता है। तो फिर लिटरेचर में और भी रुचि बढ़ी, मरीज गुजरात के बहुत बड़े शायर हैं, उनकी मुझे पर ज़बरदस्त अपील हुई। फिर मेरे एक प्रोफेसर ने कहा कि यार जॉब वॉब का तो ठिकाना नहीं, नई भर्तियाँ कुछ हो नहीं रही है, तो तुम जर्नलिज्म में जाओ, प्रोफेसर बनने का चक्कर छोड़ दो, तो एमएबे में मत करना, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का कोर्स करो। उस दौरान थोड़ा बहुत लिखना चालू किया था, साहित्य की रुचि भी थी, तो गुजराती ठीक ठाक लिख लेता था, अंग्रेजी के कुछ आर्टिकल्स को गुजराती ट्रांसलेशन भी कर लेता था। तो फिर उस तरह से जर्नलिज्म का कोर्स किया, और वो उसका डिग्री का सर्टिफिकेट मिल उसके पहले ही कहीं पे बम्बई में जॉब पे लग गया। बम्बई में 3 साल गुजरात के बहुत बड़े शायर मरीज, उनके पूरे लाइफ के ऊपर ज़बरदस्त रिसर्च किया। बस अभी एक बार 19 में मोदी साहब हार जाए, फिर उनके ऊपर किताब पब्लिश भी करेंगे। तो फिर वो सब एक रिसर्च वाला 3-3.5 साल का मेरा फेस ख़त्म हुआ, उसमें मुझे जो किक मिला था, इट वॉज अनबिलीवेबल। वो जैसे रिसर्च ख़त्म हुआ तो मुझे एक अकेलापन महसूस हुआ कि अब मैं क्या करूँ। जर्नलिज्म का जॉब थोड़ा बोरिंग लगने लगा था, जो रोमांटिक आइडियाज़ के साथ जाते हैं कि कलम से ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, नहीं होता है। उस बात से थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हो पाया था, तो थोड़ा मोह भंग हुआ। दूसरी तरफ ये रिसर्च का काम ख़त्म हुआ, फिर किसी ने मुझे प्रपोज़ किया कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, उनके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च किया जाए, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मटेरियल अवेलेबल है उनके अलावा। तो वो थोड़ा चालू किया, और फिर अंदर से आवाज़ आई कि भाई वो जिन किसान और मजदूर की बात करते थे,
भगत सिंह का ये कहना था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसान और मजदूर के हाथ में सत्ता, तो उन्हीं के लिए क्यों ना काम किया जाए, रिसर्च को छोड़ दिया जाए। तो फिर सब छोड़ के गुजरात आया और डॉक्टर मुकुल सिन्हा के साथ एक मेरा नया जर्नी चालू हुआ, एक ग्रासरूट एक्टिविस्ट के तौर पे, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट के तौर पे, फिर सफाई कर्मियों की यूनियन बनाए, फैक्ट्री वर्कर्स की स्ट्राइक्स में जाना हुआ, जीआईएसएफ के जवानों की यूनियंस बनाए। तो ये सिविल सोसाइटी की मूवमेंट, ट्रेड यूनियन की मूवमेंट और बड़े कुछ भी गुजरात में मूवमेंट वगैरह होते रहते थे उसमें शरीक होता था, बीच बीच में गरीब पीड़ित शोषित जनता के लिए लिखता रहता था। इस प्रकार का ऊना के पहले का जर्नी रहा। उसके पहले के 2-3 साल बहुत वक्त भी जाहिर किया चाय की दुकान पे, घंटों बिना कुछ किए दोस्तों के साथ गप मारना, शायरी करना, काम कुछ भी नहीं करना, वो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख था मेरे लिए। ऐसे भी 1.5-2 साल गए, लेकिन बीच बीच में फिर ट्रैक पे आ जाता था, फिर कहीं लड़ने लग जाता था, उस प्रकार का। मैं थोड़ा सा ये डिस्कशन और थोड़ी और सीरियस चीज़ों के तरफ जाए, लेकिन मैं जितने भी यंग लोगों को मिलता हूँ मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि उनकी आपकी ज़िंदगी में प्यार कब आया और कैसे आया। कॉलेज के दिनों में हुआ, तो चला 2-3 साल अच्छा बढ़िया से इंटेंस एक रिलेशन। और उसने आपको क्या दिया, क्योंकि एक 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 लेसन तो हम सब लोग, या तो हमारे पास वो इंसान होता है या फिर एक लेसन होता है, आपके पास क्या है? यार रिश्ते में तो एक ही चीज़ का एक्सचेंज होता है, वो प्यार होता है। अच्छा ठीक है, तो मैं सिन्हा साहब की बात करना चाहता था आपसे। आपको कई लोग सिन्हा साहब की प्रोडिजी कहते हैं और आई गेस राइटफुली सो, तो उनके क्या लेसन्स आप सबसे, मतलब ही वॉज एन इनक्रेडिबल मैन, एब्सोल्यूट फाइटर। उनसे एक चीज सिखाऊं वो ये है, नेवर एंडिंग एफर्ट्स करो, एक चीज पकड़ो, बाल की खाल उधेड़ दो, उसको छोड़ो मत जो इस मुद्दे को पकड़ा है, एक पूरा जीवन आपका नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, मतलब कि करप्शन की कोई गुंजाइश आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, नॉन करप्ट रहो, मोस्ट कमिटेड रहो, और जिस मुद्दे के लिए आप खड़े हो चाहे कुछ भी हो जाए उसको छोड़ो मत। वो एक लड़ने का जज्बा वो उनका गजब था। और गुजरात की पब्लिक लाइफ के ऐसे 6-7 साल गए जिसमें गुजरात के किसी भी कोने में, चाहे वो किसान है, मजदूर है, ट्राइबल है, माइनॉरिटीज से है, किसी भी व्यक्ति ने अपने मुद्दे पर आखिर तक लड़ा है, उसके बाद भी यदि वो सवाल रिजोल्व नहीं हुआ, या अथॉरिटीज में किसी माइटी कैरेक्टर को इफ यू टू टेक ऑन, तो ये आदमी लड़ेगा जिसका नाम है मुकुल सिन्हा। ऐसा एक उनका एक जबरदस्त इमेज था। अच्छा। तो लड़ने का जज्बा उनसे मिला और ये बात मिली कि जिस मुद्दे को पकड़ो उसको कभी छोड़ो मत। अच्छा, ये चीज़ आपने उनसे सीखी। ऊना की बातचीत में थोड़ा सा स्किप करना चाहता था क्योंकि वो चीज़ ज़्यादातर लोगों के दिमाग में अभी भी ताज़ा है, वो इमेजेस और उसके बाद में जो कुछ भी गोलबंदी हम देखते हैं। उसके बाद बहुत पेस पर हमने एक ट्रांजिशन होते हुए देखा, सोशल एक्टिविस्ट जिग्नेश मेवानी को हमने MLA जिग्नेश मेवानी बनते हुए देखा। आपको क्यों ऐसा लगा, क्योंकि ये एक बहस है कि क्या पॉलिटिक्स में एंटर करके उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कीचड़ में उतर के आप गंदे हो जाते हो, ये डिसीजन आपने कैसे लिया कि मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, इस तरफ नहीं? देखिए, ऊना से चुनाव तक का जो करीब 2 साल का जो फासला था जी, उसमें बहुत सी रैलियाँ की, बहुत बार धरने दिए, सड़कें जाम की, बहुत किस्म के अजीब अजीब प्रोटेस्ट भी किए, पूरे देश में घूमकर लेक्चरबाजी किया, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसिस, पब्लिक मीटिंग में, मोदी जी को भी बहुत धोया, बहुत गलियाए, जो बहुत सब किया। फिर लगा उसमें से एक स्टेप फर्दर जाने के लिए यदि इलेक्टोरली थोड़ा चीज़ों को क्रैक कर पाए तो और भी एक मास अपील बनेगी। तो एक विधायक बनने के बाद, विधायक बनने के बतौर विधायक बहुत कुछ उखाड़ लेता ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसके चलते भी आप नेता हो, वो जो थप्पा आपका और भी स्ट्रेंदन होता है, उससे और लोगों का आपके साथ जुड़ने का पोटेंशियल बढ़ता है, अपील बढ़ती है। ओके, तो ये कहता हूँ कि ये आई एम यूजिंग दैट बुर्जुआ ग्लैमर टू फर्दर माई मूवमेंट एट ग्राउंड जीरो।
तो आपने वो बुर्जुआ ग्लैमर, इन योर वर्ड्स, आपने उसका थ्रेशोल्ड वहाँ पे क्यों डिसाइड किया कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाऊँगा? और हर किसी की अपनी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन आपने किसी पॉलिटिक्स, आपने आपने कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, इसकी क्या वजह है? जबकि आप इस, आप अलग अलग पार्टीज़ के कैंपेन्स में जाते हैं, अभी भी प्रचार कर रहे हैं, पार्टी न ज्वाइन करके आपको क्या, क्यों ये डिसीजन आपने लिया? स्वतंत्रता। अच्छा, आप पार्टी में गए तो पार्टी की भी जो फिलोसॉफी है, उसके जो असूल है, उसके जो एजेंडा है, उसी के सर्कल में आपको खुद को एंटेंगल करना पड़ता है। ओके। और अभी मैं बिंदास हूँ, अभी मैं लल्लन टॉप हूँ। अच्छा, अरे ठीक है। अब हम लोग जी, सबकी स्वतंत्रता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये आपको ऐसा नहीं लगता? इंटरेस्टिंग बात बोलूं जी, IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस के साथ UDF के पैकेज के तहत केरला में चुनाव लड़ता है अगेंस्ट LDF, जैसे कि जानते हैं LDF में CPI CPM वगैरह है, तो मैं एक दिन IUML के मंच पर भी होता हूँ और उसके नेक्स्ट डे केरला के स्पीकर भी मुझे इनवाइट करते हैं। अब ये सुख तो कहाँ मिलेगा? ये सुख भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार, लोग ऐसा कहते हैं कि यार ये लोटे का पता नहीं चल रहा है कि पेंदी कहाँ पर है, तो आप उस ऐसे एलिगेशंस को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? उसमें ऐसा है कि मेरा एक पोजीशन इस वक्त में लाइफ का बहुत क्लियर है, मेरा प्रिंसिपल एनिमी मोदी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जी, भाजपा, ये मेरा परम शत्रु है। इन संघी भाजपाइयों के खिलाफ हो सकूँ उतना करना, क्योंकि लोग संविधान विरोधी है, खुलकर कहते हैं हम इस मुल्क के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। साक्षी महाराज कहते हैं कि दोबारा चुनाव नहीं होगा यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ये खतरा जिसको दिखता है उसका प्रिंसिपल एनिमी बीजेपी होगा। तो बीजेपी खिलाफ लड़ने वाले जितने भी लोग हैं वो मेरे सारे दोस्त हैं, एलआई है, शिवसेना जैसे फोर्सेस को छोड़कर। उसका मतलब ये नहीं कि उनकी आइडियोलॉजीज को मैं चेरिश करता हूँ, उनकी आइडियोलॉजी को मैं सेलिब्रेट करता हूँ, उनको लेकर मैं क्रिटिकल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको लेकर यदि मैं क्रिटिकल हूँ भी तब ये वो वक्त नहीं है जिस वक्त में मैं उस मुद्दे की बात करूँगा। और ये कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है जो मैंने चूज किया है। अच्छा, आपने मैं इस तरफ दूसरे थोड़ा आगे जाना चाहता था, लेकिन चूंकि अभी जिक्र आ गया है, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी और ऐड करना चाहूँगा, बताइए मैं किस तरफ जाऊँगा? मैं जिस तरफ हूँ वहाँ ठीक हूँ। अच्छा ठीक, आपने कहा कि आपकी जो लड़ाई है वो मोदी और अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ है, और आप दलित गोलबंदी और दलित राजनीति के बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। तो जब आप कहते हैं कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपकी लड़ाई है, तो क्या आप वो पूरा कॉज एक दो लोगों के अगेंस्ट दुश्मनी में रिड्यूस नहीं कर दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बीजेपी मेरा प्राइम एनिमी है, लेकिन उसके भी अंदर मोदी और अमित शाह ने गुजरात में और पूरे देश में जो किया है, जो भय का माहौल खड़ा किया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। जस्टिस लोया का खून कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़े कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज एट वर्क। गौरी लंकेश की चार्जशीट से यह बात रिवील हो कि संघ परिवार के कुछ लोगों का प्लान था 40 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स और रेशनलिस्ट को मार दिया जाए। एडिटर्स को फोन उठा के ये लोग कॉल करते हैं, सीधा खुद फोन लाइन पर आते हैं कि न्यूज़ आइटम कल पब्लिश नहीं होनी चाहिए। ये जो धौंस बनाई है, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया है, विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहते हैं, इंसानों को जो उनके खिलाफ अलग मत रखते हैं, उनसे भिन्न मत रखने वाले लोगों को फिजिकली एलिमिनेट करना चाहते हैं, और इन फोर्सेज के ये दो मुखिया बनकर बैठे हैं। एक तो हमारा उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं जी, ना हमने उनका कुछ बिगाड़ा है ना उन्होंने हमारा, लेकिन इस मुल्क की जनता का उन्होंने जो बिगाड़ा है ये ग्रीवंस है। ठीक है, आप ये के अंदर भी हम लोगों ने उनको 15 साल देखा है, फर्जी एनकाउंटर्स जी, दंगे जी, अभी गुजरात के होम मिनिस्टर हरेन पंड्या का मर्डर हो गया, कोई उसके बारे में बात नहीं करता है। जयंती बालूसानी नाम के दूसरे बीजेपी के एक पूर्व विधायक का भी खून हुआ कुछ दिन पहले। तो ये पूरा जो एक काफ्काइस्क माहौल है उसके वो दो मेन सरगना है, मुखिया है। आपने इस माहौल को काफी कहा, उन्हीं फैक्ट्स को कई बार इस तरह से भी कहा जाता है कि ये जो
जिस भी इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं सही है या नहीं है, और कुछ चीज़ें उसमें से सब जुड़े से हैं उनको उस तरफ छोड़ते हैं, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम के जजिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़े कि भैया बचाओ मर गए हम जजिस। कौन जजिस? हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजिस। ये तो एक 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 इवेंट की बात हो गई, सारी आरबीआई के साथ जो टेम्परिंग हो रहा है, सीबीआई के साथ जो हो रहा है, सीबीआई के अंदर जो हो रहा है, ये कहां पहले हो रहा था? ठीक है, आपने डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहकर ये जो फासिज्म को अनलिश किया है इन लोगों ने, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा, आपने एक भाई के माहौल की बात की, सड़कों पर संविधान को जलाया गया, खुलकर भाजपा के नेता लोग ये कहते हैं कि इसका हाथ काट देंगे, इसका गला काट देंगे, इसकी टांगे तोड़ देंगे, इसका खून कर देंगे, मुस्लिम बहनों के शव निकाल कर उनके साथ भी बलात्कार किया जाए, ये कहा गया है पब्लिक प्लेटफॉर्म से। अच्छा ठीक, मतलब ये वो सारी चीजें हत्या के बाद संघ परिवार के लोग मृत गौरी लंकेश को माँ बहन की अश्लील गालियां देते थे, और हमारे प्रधानमंत्री इतने महान कैरेक्टर है कि उन लोगों को शेमलेसली मीडिया ने 25 बार लिखा उसके बावजूद आज भी ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं। ओके ठीक है, आपने एक भय के माहौल की बात की थी, एक भय का माहौल हमने तब भी देखा था जब कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या हुई थी, ठीक है, और आपके कई साथियों ने इस बात पे नाराज़गी जाहिर की है कि आप सीवान गए थे अभी रिसेंटली, तो आपकी सफाई उस मामले में ये रही है जो हमें मालूम चली है कि आप श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन फिर भी इस चीज़ को बहुत स्पिरिट में नहीं लिया गया है। श्रद्धांजलि के अलावा वहाँ पर हमारा कोई इवेंट नहीं था। अच्छा, लेकिन सपोज हम गए तो हम किसी के बंधुआ मजदूर है? ब्लडी आई विल डिसाइड वेयर वुड आई गो एंड हु आई वुड कैंपेन फॉर। अच्छा, क्या इडियट्स एंड फूल्स वुड नॉट डिसाइड? अभी मैं स्टॉन्ट में उनके साथ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, उनकी भी जमकर धुलाई करूँगा पब्लिक प्लेटफॉर्म से, उनके अंदर भी जो कम्युनल कंटेंट भरा पड़ा है, कुछ हिंदुत्ववादी लोगों के अंदर भी भरा पड़ा है, इस प्रकार से इन स्यूडो सेक्युलरिस्टों के अंदर भी भरा पड़ा है, उनको भी मैं लपेट मिलूंगा, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। 19 का चुनाव मुनाव जाए ये सब लोग भी मिलेंगे। अच्छा, जंतर मंतर के धरनों पर भी मिटेंगे, मिलेंगे, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसिस में भी मिलेंगे, उनको भी सवाल पूछेंगे। ओके, मुस्लिम समुदाय का कोई अमित शाह है तो उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो जब आप ये कहते हैं तब आप क्या ये कहते हैं कि आप शहाबुद्दीन या जिस तरह के इल्ज़ाम उन पर लगे होते हैं उनके भी खिलाफ हैं? जब हम खुलकर कहेंगे तब नामजद कहेंगे, इस वक्त पे वो नहीं कहना चाहते, इस वक्त उसे इम्प्लाइड रखना चाहते हैं। अच्छा, आपके माध्यम से उनको कन्वे हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आपकी जर्नी में एक बहुत एक बड़ा इवेंट रहा है ऊना, जिसका जिक्र इस डिस्कशन में बार बार आता रहेगा। जब हमने 2017 के चुनाव देखे थे तब हमने इस तरह की इवेंट्स देखे थे जहाँ पे जो आपके पॉलिटिकल विरोधी हैं उनकी पार्टीज़ में ऊना पीड़ित प्रचार करते हुए दिखे थे, तो वो उन चीज़ों को लेकर के आपके दिमाग में किस तरह का रिएक्शन था और तब आपको कैसा लगा था? नहीं समझा। जब 2017 के जब चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में, तब जो बौद्ध महासंघ है उसकी यात्राएं थी यूपी में जिसमें ऊना पीड़ित भी थे, और इस बात को काफ़ी मीडिया ने दिखाया था। एक बार टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो एक बार शायद किसी के बहकावे में आकर या गलती से या उस फोरम का पॉलिटिकल एफिलिएशन कहाँ पर है वो देखे समझे बिना गए होंगे, अदरवाइज दे कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ आरएसएस बीजेपी प्रोपेगेंडा। ओके ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पर गए या ना गए वो महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि बतौर गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल ने मोटा समढ़ियाड़ा गांव जाकर सारी देश के अखबार और चैनलों के सामने ऊना के विक्टिम्स को प्रॉमिस दिए थे, तीन आपके गांव मोटा समढ़ियाला का विकास करेंगे, जिन चार लड़कों को मारा उनको उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के मुताबिक गवर्नमेंट जॉब देंगे और खेती की 5 एकड़ जमीन देंगे, ये जो प्रोमिसेस दिए थे मीडिया के सामने उसका गुजरात सरकार के मुखपत्र गुजरात में उसका रिपोर्ट भी छपा है, ये मुद्दा अभी जो 5 दिन का हमारा इंटरिम बजट पेश हुआ उस असेंबली के बजट सेशन में भी हम रेज किए, इनके बावजूद जो सरकार अडानी अंबानी एसआर को जमीन बांटने को तैयार है वो उन ऊना के 4 विक्टिम्स को 5-5 एकड़ 20 एकड़ जमीन बांटने को तैयार नहीं, और ये नहीं होने के चलते ऊना के विक्टिम्स को राष्ट्रपति को लिखना पड़ा
कि हमको जहर खाने की इजाजत दो, इच्छा मृत्यु की हमको परमिशन दो। ये असली मुद्दा है। एक अनप्रेसिडेंटेड उसका एक रिस्पॉन्स आया है। कुछ दलित एक्टिविस्टों ने मृत गाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में डाल दिया। अनगिनत लोगों ने सड़कें जाम की, रेल रोकी। हम लोग अहमदाबाद से ऊना करके यात्रा किए, 20,000 लोगों ने मेरे साथ शपथ लिया कि जीवन में कभी मृत पशुओं के निकाल का काम नहीं करेंगे। ऊना के बारे में पूरे 20 स्टेट में जाकर हम लोग बोले, असेंबली में भी ये मुद्दा उठाया, वो लोग भी धरने पर बैठे हैं, दूसरे दलित संगठन के लोग भी 2500 बार उस मुद्दे पर बोले। इन सब के बावजूद इतना कास्टिस्ट रवैया है गुजरात की भाजपा का सरकार का कि अडानी को हजारों एकड़ जमीन देंगे लेकिन ऊना के विक्टिम्स को न्याय तो छोड़ो कॉम्पेंसेशन नहीं ही देंगे, ये उन्होंने ठान लिया है। ठीक है, तो ये आपके कंसर्न्स हैं अभी फिलहाल। अब मैं नेशनल पॉलिटिक्स पे आपकी जो राय है उस तरफ थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। आपसे पहले जिन लीडर्स, जो दलित लीडर्स हुए हैं, जो लोग लाइमलाइट में आए हैं, उनमें से एक बड़ा नाम है मायावती और उनके मेंटर थे कांशीराम। तो इन दोनों, कांशीराम के मूल्यों के कितना करीब आपको लगता है कि मायावती का काम रहा है? मैं इस पर अभी कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है। और दिस बाई रिमेनिंग साइलेंट। और बहन जी को हमारी भरपूर शुभकामनाएं। अच्छा। हम चाहते हैं कि सपा बसपा का कॉम्बिनेशन जमकर भाजपा की धुलाई करे, 35-40-45 सीटें भाजपा की वहां पर कम हो जी। ताकि इलेक्टोरली बीजेपी को डिसलोज किया जाए, ताकि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बचे, बाकी की बात बाद में देखी जाएगी। अच्छा, तो अभी आप मतलब आपका इंटरनल मामला चल रहा है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा दिलचस्प लगी, मैंने बहुत कम पॉलिटिशियंस ऐसे देखे हैं जो ऑन कैमरा कन्वीनियंस ये शब्द इतने आसानी से इस्तेमाल करते हैं। मैं एडमिट करता हूँ आपके कैमरा के सामने कि कुछ जगह पर मैं पोजीशंस लेता हूँ, वो कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन से, वो मीडिया के साथ फ्रेंकली एडमिट करता हूँ, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, फॉर द लार्जर गोल। जिग्नेश जी, आपने पिछले साल बनारस में कहा था कि आप चंद्रशेखर के साथ मिल करके मायावती का प्रचार करेंगे, वो वादा है, उस वादे का क्या हुआ? अभी जाएंगे यूपी। अच्छा, अभी आप आने वाले, मतलब आज तारीख है 20 अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, आप आने वाले दिनों में वो वादा अपना बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। अच्छा, चंद्रशेखर नहीं आएगा तब भी हम अकेले जाएंगे जी। चंद्रशेखर नहीं आएगा तब भी हम अकेले जाएंगे। अच्छा, इस तरह की काफ़ी जिनको लीक्स कहते हैं, उनमें कई बार ये क्लेम किया गया है कि चंद्रशेखर कांग्रेस के लगातार करीब हो रहे हैं, इस नज़दीकी को आप कैसे देखते हैं? भाजपा और शिवसेना जैसे फोर्सेस को छोड़कर इस वक्त इस मुल्क का कोई भी लड़ने वाला आदमी अपनी रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ उनकी लिमिटेशन से अवगत होने के बावजूद यदि एसोसिएटेड रहे, उसके संपर्क बनाए रखे, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग में रहे, आई डोंट माइंड। ओके, एक चीज जो मुझे गुजरात में आने के बाद, इस वक्त जी मैं बहुत शुद्ध, सात्विक, निर्मल, कोमल, पवित्र दिखूं और इलेक्टोरली बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कर पाऊं, ये पोजीशन मुझे नहीं लेना। आई रिमेन आइडियोलॉजिकली प्योर एंड पॉलिटिकली स्टक, कांट बी द पोजीशन, इज नॉट माई पोजीशन। आई वॉन्ट टू नेविगेट अगेंस्ट दिस फोर्सेस। एक चीज़ जो मुझे गुजरात में लगातार सुनने को मिली कि जिग्नेश मेवाणी सिर्फ दलितों के नेता हैं, ठीक है, इसलिए उनकी जो प्रसिद्धि है वो एक लेवल पे आके एक ग्लास सीलिंग पे हिट कर गई है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस एलिगेशन पे? ऊना की घटना हुई उसके पहले जो जर्नलिज्म छोड़ के मैं मुकुल सिन्हा के साथ काम चालू किया, वो तो ट्रेड यूनियन का काम था। लैंडलेस लेबरर्स के इश्यूज पर मैंने काम किया है, गुजरात के फार्मर सुसाइड पर रिसर्च किया है, सफाई कर्मियों के मुद्दे उठाए, फिक्स पे के कर्मचारियों के मुद्दे उठाए, महुआ में निर्मा के खिलाफ आंदोलन हुआ था तो उसमें जाकर शरीक होता था, विधायक बना तो सारे समुदाय के लोगों ने वोट दिए है, तो सारे समुदाय के लोगों का काम करना पड़ेगा। मैं तो 2 करोड़ रोजगार की बात करता हूँ, मैं तो GST और नोटबंदी के खिलाफ बोलता हूँ। ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगाया हुआ थप्पा है कि दलितों का नेता, मैं गरीबों का नेता हूं। अच्छा, लेकिन ये बीमारी है कुछ लोगों में कि गरीबों के नेता के अंदर से उसकी कास्ट को निकाल कर दिखा है। अच्छा, ये उनकी बीमारी है। ओके, ठीक है। मेरे पास कुछ सवाल इस तरह के भी थे, लेकिन आप उसका एक हिस्से का जवाब दे चुके हैं। मैं आपसे पूछने वाला था कि कन्हैया जाकेलाल प्रसाद यादव की पैर छू रहे हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और दलित कितने लेफ्ट की राजनीति में अब जगह रखते हैं आपको ऐसा लगता है? लेकिन आपने कहा है कि अभी आप उस ट्रांजिशन फेज में जहाँ पे आप अभी अपने कार्ड्स यू वांट टू होल्ड देम डाउन,
अभी की बात है, आइंदा जो आने वाला वक्त हम देखने वाले हैं उसमें आप दलित राजनीति को कहाँ जाते हुए देखते हैं, नेशनल लेवल पे और गुजरात में भी? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऊना का जो आंदोलन हुआ जी, रोहित वेमुला के वक्त पे जो मोमेंट हुआ, 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ, जो एशर सन हम लोगों ने भीमा कोरेगांव में देखा, मेरा और चंद्रशेखर का जो राइज हुआ, ये सब ये दिखाता है कि इस वक्त मौजूद इस मुल्क की मेन स्ट्रीम की इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टियों से असंतुष्ट दलित यूथ का बहुत बड़ा तबका लाखों की तादाद में सड़कों पर आना चाहता है। उतना उनके अंदर जागृति भी है, उतना उनके अंदर गुस्सा भी है। अब ये सारे फोर्सेस एक होकर उसके अंदर से एक कास्ट एनाइलेशन ऑफ कास्ट और इकोनॉमिक इश्यूज की लड़ाई, ये दोनों का एक मिलन होना चाहिए। इसलिए हमने नारा दिया था कि गाय की पूंछ आप रखो, ये गाय 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 तुम जो लगा रखे हो और इसी के चलते हमको मारा है, तो उसके कल्चरल वो काउंटर था कि गाय की पूंछ आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। यानी कि हम हमारे एजेंडा के ऊपर भी आएंगे, इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा भी चाहिए, इन दोनों मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। जिग्नेश आपने जी मतलब इस दलित पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, इज गोइंग टू बी मोर असर्टिव इन कमिंग डेज। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? आपने जब हम बात कर रहे थे बीच में, आपने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस की बात की और आपने कहा था कि उनकी वजह से आप फिलहाल यू लाइंग लो एक तरह से। कॉम्प्रोमाइजेस का मतलब कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्शन है और आप उसके बारे में नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस फ्रिक्शन का कोई विकल्प है आपके पास अभी या इन फ्यूचर आप देखते हैं? जैसे रामदास आठवले हुए, मायावती हुई, कुछ मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन लेकर जी इनके खिलाफ सब्सटेंशियली कुछ कर पाए और खुद टिके रहे, खुद बिके नहीं, खुद नॉन करप्ट रहे, अपनी कमिटमेंट को इंटेक्ट रहे, संघर्ष को जारी रखे, तो आने वाले सालों में डेफिनेटली कुछ तो निकल कर आएगा। और एक मेरा वो आखिरी सवाल होने वाला है कि हमने इससे पहले बहुत सारे दलित मूवमेंट्स के साथ में ये देखा है कि वो कोऑप्ट हो जाते हैं, जैसे ऐसा कहा जाता है, कोऑप्ट ना होना पड़े इसीलिए इंडिपेंडेंट हूँ और रहा हूँ और ऐसे ही रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं एग्जैक्टली यही आपसे पूछने वाला था कि कोऑप्ट न होने को लेकर के आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ये जैसे हूँ, जैसे जी रहा हूँ, जैसे लड़ रहा हूँ, अभी मेरा कोई बॉस नहीं, किसी के कहने पे मुझे रैली नहीं करना पड़ता। तो आप पॉलिटिकल फ्रीलांसर हैं सर? बिल्कुल, किसी के कहने पर मुझे असेंबली में सवाल उठाना नहीं पड़ता। अच्छा, और फ्रीलांसिंग को लेके जैसे आप जर्नलिस्ट रहे हैं और हम अभी हैं, तो कहा जाता है कि बहुत टफ लाइफ होती है, तो आप और आप पॉलिटिक्स में फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, तो कितना टफ जाने को तैयार हैं? बहुत टफ जाने को तैयार है। और आपको ऐसा लगता है कि इसमें मतलब आप खुद को बचा ले जाएंगे? क्योंकि बिल्कुल बचा ले पाया हूँ अब तक तो। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिग्नेश हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप इलेक्शन टूर पे हैं, आपको अभी भी कहीं जाना होगा, तो हम आपको शुक्रिया कह के इस बातचीत को ही विराम देते हैं। अहमदाबाद से तरुण से तरुण के साथ मैं हूँ निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।